हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए डी मार्ट का फुल व्लॉग। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप देखिए यहाँ पे सीजर, नाइफ वगैरह भी हैं। मैं तो यहाँ पे देखिए हम स्टील वाले पोर्शन में हैं, जहाँ पे ये पूरी जालियाँ वगैरह और चॉपिंग बोर्ड वगैरह हमने सभी देखे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं कि उसके प्राइस क्या हैं। जब मन करे तो आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ग्लास वगैरह देख रहे हैं, और ये जो है ऑयल वाली बोतल है, और ये इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, और ये देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही थी। और नॉर्मली क्या होता है कि ऑयल के ऊपर के ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं, तो ये इसका अच्छा है कि ऊपर से ये कवर रहेगा, क्योंकि ऊपर से भी स्टील का ढक्कन है। ये स्टील के टिफ़िन वगैरह भी देखे थे हमने, स्टील इसकी काफ़ी अच्छी थी। आजकल लोग प्रेफर नहीं करते हैं प्लास्टिक के टिफ़िन वगैरह, लेकिन तो आप स्टील का यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आप देखिए इसे, ये 500 का है। यहाँ पे आगे और भी टिफ़िन है, ये देखिए ये जो है ये टिफ़िन भी काफ़ी अच्छा है। ये अंदर से स्टील का है, ये हमारे पास भी है। वो 3 पोर्शन वाला है, ये 2 पोर्शन वाला है, इसमें 3 पोर्शन का भी है, और ये काफ़ी अच्छा है। स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, अगर आप अपने हस्बैंड वगैरह या आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अब आगे हमने देखे थे नॉन स्टिक बर्तन, तो यहाँ पे ये जो नॉन स्टिक बर्तन पे भी काफ़ी अच्छा ऑफर था। ये वाले जो बर्तन था रेड वाला, इसके साथ में ये 399 में ये 3 बर्तन थे, फ्राई पैन और तवा और ये वाली हांडी। तो काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे थे 899 में, 699 में। तो यहाँ पे ये जो टिफ़िन था ये बहुत अच्छा टिफ़िन है, जिसको ठंडा खाना अच्छा पसंद नहीं आता है। तो ये जो टिफ़िन था ये इलेक्ट्रिक टिफ़िन था। यहाँ पे हमने बोटल्स वगैरह भी देखी थी, बोटल्स वगैरह भी 200 रुपये में और 300 रुपये में, मतलब काफ़ी अच्छी थी। स्टील की बोटल थी 100 रुपये में, काफ़ी अच्छी बोटल थी। एक यहाँ पर पीतल की भी बोटल थी, जिसमें बोला जाता है पानी पीना काफ़ी अच्छा होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी। डी मार्ट का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे जो कप का कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, ये 50 रुपीज़ का था। और यहाँ पे और भी थे जो अलग अलग प्राइस के थे, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट वाला था ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये इतना मतलब अच्छा लग रहा था। इसके हैंडल वगैरह सब अलग कलर थे, वैसे ये ट्रांसपेरेंट था और इसका साइज़ भी बड़ा था। और भी देखिए आप यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कप हैं। पे आपको पूरा हॉल मिलेगा आज डी मार्ट का। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाले कप थे ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, ये 150 के कप था। और यहाँ पे ये जो कांच के थे सारे बोर्ड, यहाँ पे ये पूजा का सामान था। के लिए हम डी मार्ट से इतना फुल वीडियो लेके आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो यहाँ पर हम फिर से पीतल की जो प्लेट्स वगैरह थी ये देखी थी हमने, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे दिए वगैरह और यहाँ पे प्लास्टिक के जो हैं पॉट वगैरह भी थे जो अच्छे थे। ये यहाँ पे डलिया थी जो आप फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाली यहाँ पे प्लास्टिक की थी और वो भी प्लास्टिक की ही थी। यहाँ पे और भी हमने टिफ़िन वगैरह देखे, तो ये जो टिफ़िन वगैरह हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। टिफ़िन की एक थोड़ी सी खासियत थी कि ये जो ऊपर की साइड में ना इसमें रबड़ लगी है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो इस जो टिफ़िन के अंदर जो मॉइस्चर जम जाता है वो नहीं जमेगा। टिफ़िन था ये काफ़ी अच्छा था, स्पेस भी काफ़ी अच्छा था, और 179 में ये बहुत ही अच्छी डील थी, इस पर ऑफर ही चल रहा था। यहाँ पे हमने एक ये कॉम्बो देखा था जो 89 में था, इसके साथ में आपको बोतल और टिफ़िन दोनों मिल रही है, काफ़ी अच्छा कॉम्बो था। एक ये टिफ़िन भी था, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक ये बॉक्स देखा था, ये बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे कि आप ऑफिस या फिर टिफ़िन वगैरह आप रख के देते हो बच्चों को, तो आप इनको अलग अलग चीज़ों को इसमें दे सकते हैं और वो मिक्स भी नहीं होंगी। इसमें 3 कंपार्टमेंट थे, 99 रुपीज़ में कोई भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छी डील थी। यहाँ पर हमने आइस ट्रे देखी, जो काफ़ी साइज़ जो था आइस का जो बनेगा वो काफ़ी अच्छा था, और 79 में काफ़ी अच्छा था। जो बॉक्सेज हैं ये बहुत अच्छे थे, स्पेस सेवर हैं स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये राइट एंगल शेप के हैं तो ये स्पेस को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करते, क्योंकि गोल अगर बॉक्स वगैरह होते हैं तो वो बिल्कुल बीच में स्पेस छोड़ते हैं। इनको आप कंटिन्यू लगा सकते हैं लाइन से, तो बीच में स्पेस नहीं रहेगा। बाद में हमने एक ये टिफ़िन देखा, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसमें 3 कंपार्टमेंट थे और काफ़ी देखने में अच्छा था। आपको ये डी मार्ट का व्लॉग कैसा लगा? आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।